बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फारूक पब्लिक स्कूल ई लर्निंग ग्रेड 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.3 पेज 174। द फर्स्ट टॉपिक इज द जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल्स। एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास जैसे कि ये एक एंगल है ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से आप पहले एंगल की ड्राइंग कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके पास क्या है, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और ये क्या है, टर्मिनल साइड। अब इस एंगल में आपके पास जब टू साइड्स हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आपने इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों को चेक करना है। यानी सबसे पहले आपके पास जो एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे इनिशियल साइड जो भी है आपकी, अब ये देखें अबव द एक्सिस है तो पॉजिटिव है, यहाँ से आप शुरू करेंगे को टर्मिनल एंगल और यहीं पे इसी इनिशियल साइड पे लाके इसको एंड कर देना। यानी इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो गई। अब चूंकि बेसिकली एंगल जो है वो आपके पास 30 डिग्री है, लेकिन आपने चूंकि ये वन रोटेशन उसमें कंप्लीट किया और चूंकि अबव द एक्सिस है तो इट बिकम्स प्लस 360 डिग्री। यानी ये आपके पास कितना हो जाएगा, 390। दिस इज द को टर्मिनल एंगल। लेकिन जैसा कि एंगल हैज टू साइड्स, एक है उसकी इनिशियल और एक है टर्मिनल, जब आपने टर्मिनल साइड पे इसका एंड किया तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। अब आपके पास दूसरा जो है बिलो द एक्सिस, यानी यहाँ पे है 30 डिग्री। अब आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये बिलो द एक्सिस शुरू किया और इसको आपने जब कंप्लीट रोटेशन कर लिया तो ये आपके पास 30, तो वो एंगल हो गया। और उसमें जब आपने सब्ट्रैक करेंगे, क्योंकि बिलो द एक्सिस बी रिमेंबर के हमेशा हम नेगेटिव साइन लेते हैं, तो इट बिकम्स -360। और जब ये -360 होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -330 डिग्री। हैंस वी हैव टू को टर्मिनल एंगल्स, एक हो जाएगा 390 और एक होगा -330। अब यहाँ पे रिलेटेड जो आपके पास है वो है एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन 1 विद ऑल इट्स पार्ट्स। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड को टर्मिनल एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसमें फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है वो क्या है, एंगल है आपके पास गिवन 55 डिग्री, और क्वेश्चन है फाइंड द को टर्मिनल एंगल्स। तो आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन, अब जैसा कि डिग्री मेजर में, तो क्या होगा, हमारे पास 55 जो गिवन एंगल है, इसमें आप जब 360 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 415। ये हो गया इसका एक को टर्मिनल एंगल। इसी तरह से सेकंड को टर्मिनल के लिए क्या करेंगे, -360 डिग्री, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर की वैल्यू आपने लिखना होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 305 डिग्री, हेंस 415 एंड -305 डिग्री आर द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 55। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आप इसी तरह कर लेंगे, वो आपके पास -45 है, लेकिन वो जो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो आपके पास है रेडियन मेजर्स में, यानी पाई बाय 6। अब आपके पास अगर क्वेश्चन जो है, सॉरी, गिवन जो है आपके पास रेडियंस मेजर में हो, उसके को टर्मिनल को कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने एंगल भी रेडियंस मेजर में ऐड करना है। क्योंकि अब हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन डिग्री मेजर में अगर है तो 360 है, लेकिन अगर वो पाई रेडियंस में है तो वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2π रेडियंस। यानी 360 की बजाय हम क्या कहेंगे, 2π, पाई बाय 6 प्लस 2π। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, हम एलसीएम ले लेंगे, पाई 2 6 are 12, इट बिकम्स 13π/6।
और इसी तरह से सेकंड कोटर्मिनल एंगल के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई से, यानी पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय टेकिंग एलसीएम वी इजीली गेट द सेकंड कोटर्मिनल एंगल व्हिच इज माइनस 11 पाई बाय 6, हेंस 13 पाई बाय 6 एंड माइनस 11 पाई बाय 6 आर द कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ पाई बाय 6। अब इसके सेकेंड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। थैंक्स।